हाँ तो चलिए बच्चों फटाफट देखते हैं कि यहाँ पे भैया नायलोन 66 का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, एग्जाम से बहुत टाइम पूछा गया कि नायलोन 66 का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे क्या होता है कि नायलोन 66 हमारा जो 66 है बेटा, ठीक है, हमारा जो 66 है ये 66 हमको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो नायलोन में कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है कि नायलोन के अंदर कितने हैं, यही हमको जो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है 66। तो बच्चे यहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, 6 होंगे, क्या होंगे बच्चा 6 होंगे, तो हम कंफर्म हो गए एकदम पक्का। ठीक है, अब देखो नायलोन 66 में हेक्सामेथिलीन डायमीन यूज करेंगे बेटा, क्या होगा हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सा मतलब 6, मेथिलीन बेटा मतलब मेथिलीन का मतलब क्या होगा CH2, मतलब वहां पे हेक्सामेथिलीन मतलब CH2 6 होगा। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो फॉर्मूला, ठीक है, क्या होगा CH2 6 होने वाला है। डाईएमीन की बात किया मतलब NH2, वहां पे 2NH2 होगा, डाईएमीन 2 एमीन की बात कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा वो जो है एडिपिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एडिपिक एसिड क्या होता है बच्चे, मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है। एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किस पे रिएक्ट करेगा, उच्च दाब तथा उच्च ताप पर क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद बच्चे मेरे को जो है नाइलोन 66 मिलेगा। क्या बच्चा, नाइलोन 66 मिलेगा। और ये आपको 101% पता है मेरे सारे बच्चों को कि भाई नाइलोन 66 का हम लोग यूज जो है कहां पे देखते हैं, ठीक है, जब हम रेनकोट लेने जाते हैं बेटा, रेनकोट जो बना होता है, प्लास्टिक की बात नहीं कर, ठीक है, मैं जो है बेटा पॉलीथिन की बात नहीं कर, जो आप लोग अच्छे क्वालिटी के जब रेनकोट लेने जाते हैं तो वो रेनकोट जो है नाइलोन से बना होता है। किससे बच्चे, नाइलोन से जो है बना होता है। तो आपको बेसिक पता है कि भाई नाइलोन 66 क्या होता है, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। इसके कुछ कुछ टाइप भी होते हैं, ठीक है, नाइलोन 66, नाइलोन 610, ठीक है, नाइलोन 6, ये भी कुछ टाइप होते हैं। फिलहाल बच्चे हम इस चैप्टर के अंदर नाइलोन 66 ही पढ़ने वाले हैं, बाकी चीजें यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर बच्चे सारे बच्चों को। अब देखो इसके दोनों क्या होते हैं बेटा, एकल जो होते हैं, सॉरी दोनों क्या होते हैं, इसमें दोनों एकल इकाइयों में 6-6 कार्बन, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों एकल इकाइयों में 6-6 कार्बन होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कन्फर्म तरीके से, ठीक है। अब इसके कुछ गुण की बात कर दो प्यारे बच्चों, गुण क्या होते हैं, इसके धागे नायलोन के क्या होते बेटा, धागे में उच्च तनन क्या होती शक्ति होती, मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती बेटा, इसकी जी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा उच्च होती है, ठीक है। अब ये कठोर भी होते, जब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो क्या होगा, मजबूत तो होंगे, डेफिनेटली ज्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। इसकी संरचना प्रोटीन के समान होती है बेटा, प्रोटीन की संरचना कैसे होती थी, अल्फा एमिनो एसिड की कैसी थी प्रोटीन की संरचना, सेम ऐसे ही संरचना इसके होने वाली है, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग की मैं बात करता हूं, क्या उपयोग की, ब्रिस्कस तथा ब्रश बनाने में बेटा, ब्रश जो करते हो ना वो नाइलोन की बनी होती है, जो आप ब्रश करते हो सुबह उठते ही भैया, सुबह उठते ब्रश तो करते हो ना बच्चे, ब्रश करते हो गए नायक बच्चे, कुछ भी हो गए वो ब्रश भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, सुबह ऐसे ही पहले जा रहे हैं सुबह सुबह, तो ऐसा होता है कई बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे सबको ब्रश करना चाहिए, तो वो जो ब्रश बना होता है, ब्रश का जो ब्रिसेस जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, नाइलोन 66 से बने होते हैं, ठीक है। वो वस्त्र उद्योग में जो हमारे क्या होते हैं बेटा, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जहां पे भैया हमको कपड़े बनते हैं, ठीक है, वहां पे नायलोन का यूज किया जाता है। वो आपने बचपन में सुना होगा या फिर कपड़े दुकान में कभी गए होगे बेटा, तो वहां पे आप लोगों ने सुना कि ये कपड़ा जो है नायलोन का बना हुआ है, ठीक है। तो उसके इंडस्ट्री में जो है, कपड़े इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है बेटा, नाइलोन 66 का यूज किया जाता है धागे नचीले जो है बनियान तथा जुराबे आदि बनाने में। तो बच्चे आपको इसको जो है याद करके रखना है, बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। अब बच्चे नाइलोन 66 की बात हो गई, ठीक है, अब आखिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। जब भी एग्जाम्स के अंदर है तो ये सारी चीज लिख तो देगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। तो बेटा आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगा, देखो ध्यान से कैसे होता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि भैया हमारा क्या होता है हेक्सा, देखो ध्यान से फटाफट देखो, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, मतलब हेक्सा कहने का मतलब बेटा यहाँ पे 6 आ गया, मेथिलीन हेक्सामेथिलीन डाईएमीन NH2 2NH2, यहाँ पे पहला NH2, यहाँ पे दूसरा NH2 2NH2 हो गया। प्लस क्या होगा बेटा मेरा एडिपिक एसिड, ये क्या होगा हेक्सामेन, ये मैं लिख देता हूँ फटाफट इसको, हेक्सामेथिलीन इसको अच्छे से, और ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, क्या करेंगे बच्चा हेक्साएथिलीन डाईएमीन, तथा क्या होता है ये एडिपिक एसिड के साथ, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, एडिपिक एसिड,
ठीक है, एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, एडिपिक एसिड क्या होता है भैया, सी डबल ओ एच, मतलब वहां पे दो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, मतलब सी डबल ओ एच, यहाँ पे देखो यहाँ पे सी एच टू जो हमारा एथीन ग्रुप है, एथीन ग्रुप भैया सी एच डबल बॉन्ड से जो है रिएक्ट करेगा, और बच्चे ये पूरा का पूरा जो है रिएक्ट होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद उच्च दाब में, उच्च ताप में, उच्च दाब में रिएक्ट होने के बाद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में जो है रिएक्ट होने के बाद प्यारे बच्चे क्या होता है, हमको नाइलोन बनाता है, क्या बच्चा, नाइलोन, नाइलोन ठीक है, नाइलोन 6-6 का फॉर्मेशन करता है, नाइलोन 6-6 का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे डैश मत लगाना ठीक है, नाइलोन 6-6 का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन करता है, तो आपको ये फॉर्मेशन याद रखना है, देखो क्या है बच्चा, NH जो यहाँ से एक NH था वो रिप्लेस होकर नाइट्रोजन की जगह पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को क्या करेगा रिप्लेस साथ क्या करेगा बॉन्ड बना देगा भैया, मतलब CNH, ये NH CH2 यहाँ पे 6 बॉन्ड है ठीक है, यहाँ पे 6 बॉन्ड है, अब ये NH को देखो यहाँ पे NH, देखो ये H2O कहाँ चला गया भैया, H2O कहाँ था, H2O जो रिलीज होगा, अब रिलीज जब होगा बेटा तो क्या होगा, NH जो है इस NH क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से क्रिएट होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, अब ये जो कार्बन था बेटा यहाँ पे देखो जो कार्बन था वो कार्बन कहाँ गया, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बनाया, जब डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चा तो ये सारी चीज यहाँ पे सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे देखो कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना दिया सिंपल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बेटा ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा किससे, एक एमिन से और ये भैया कार्बोक्सिलिक एसिड से, बस और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं करना, सब यही है ठीक है, देखो NH क्या हुआ, ये NH अपन को दिख रहा है, NH अपन को दिख रहा है, CH2 भैया CH2 दिख रहा है ठीक है, CH2 दिख रहा है, यहाँ पे देखो N जो है H के साथ बॉन्ड बना दिया, H के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे सी डबल ओ एच, मतलब ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सी डबल ओ एच है, डबल ओ बॉन्ड ठीक है, डबल ओ CH2 4 और CH2 डबल एन, ये इस प्रकार से बच्चे पूरा का पूरा जो हमारा जो है ना, इस प्रकार से पूरा का पूरा बच्चे हमारा जो है नाइलोन 6-6 का क्या होता है, क्रिएशन होता है ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर, जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा ठीक है, उम्मीद करना जैसे भैया आपको रिलेट करना चाहिए बच्चा ठीक है, फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए यार, तभी तो फील आता है केमिस्ट्री में ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट देखो बच्चा, अब मैं ब्यूना एस की बात करूँ, ये जो अनदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट, तो आपको कुछ कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको उसको पढ़ना है, ब्यूना एस की बात करते हैं बेटा, ब्यूना एस क्या बोलते हैं अपने को, ब्यूना एस इसकी बनाने की विधि तथा दो उपयोग लिखिए, दो उपयोग तो मैं बता दूंगा, बनाने की विधि पहले बात कर लेते फटाफट, देखो बच्चा ब्यूना एस क्या करता है, ब्यूना यह एक संश्लेषित रबर है बेटा, क्या होता है संश्लेषित रबर, कहने का मतलब सिंथेटिक रबर है मेरा एक, क्या बच्चा सिंथेटिक एक रबर है ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा एक होता है नेचुरल रबर ठीक है, नेचुरल रबर होता है, दूसरा जो होता है बेटा हमारा सिंथेटिक रबर ठीक है, तो यही मैं हमारा क्या है बेटा ब्यूना एस जो है सिंथेटिक रबर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बेटा आपको पढ़ाया हुआ है कि को पॉलीमर हमारा क्या होता है बेटा, को पॉलीमर के अंदर हम लोग एक पढ़े हुए थे पॉलीमर, सॉरी पॉलीमर ठीक है, एक दूसरा हमारा जो था बेटा वो क्या था, सॉरी होमो पॉलीमर पढ़े हुए थे ठीक है, समबहुलक और सहबहुलक पढ़े हुए थे ठीक है, सबहुलक और समबहुलक पढ़े थे, समबहुलक में एक प्रकार के जो हमारे क्या होते थे, एक ही प्रकार के एकलक से हमारा जो है बहुलक फॉर्मेशन होता था, उसी प्रकार से बेटा हम लोग जो है सबहुलक में ये पढ़े हुए थे कि एक से या एक या दो से अधिक एकलक जब मिलेंगे तो एक बहुलक का फॉर्मेशन करेगा, उसी बहुलक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा सहबहुलक बोलेंगे, को पॉलीमर बोल रहे होंगे ठीक है, अब बच्चे उसी को पॉलीमर का एक जो हमारा प्राइम एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है, प्राइम बोलने का भैया प्राइम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ठीक है, अब देखो प्राइम एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारा क्या है ब्यूना एस जो है प्राइम एग्जांपल है, अब ये बनता कैसे है ठीक है, ये एक संश्लेषित रबर है बेटा जो ब्यूटाडाइन, क्या बच्चा ब्यूटाडाइन, ये जो दिख रहा है ना बेटा ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये इसको अपन बोलते हैं ब्यूटाडाइन, क्या बच्चा ब्यूटाडाइन ठीक है, ब्यूटाडाइन ये क्या करेगा बेटा ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन तथा क्या होता है स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के क्या होता है सहबहुलक है, क्या बच्चा ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन के सहबहुलक है, मतलब इसमें क्या हो बच्चे हमको एक ब्यूटाडाइन एक अलग जो है अलग एक अलग है मोनोमर है, और जो स्टाइरिन बेटा ठीक है ये जो स्टाइरिन है वो हमको क्या है एक अलग एक अलग है, मतलब ये अलग मोनोमर है ये मेरा अलग मोनोमर है, जब दोनों मोनोमर एक साथ कंबाइन होंगे बेटा तो हमको एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, उस पॉलीमर को अपन क्या बोलते हैं बेटा ब्यूना एस बोल रहे होते, क्या बच्चे ब्यूना एस बोल रहे होते, एकदम क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आया, इस प्रकार से बेटा ब्यूना का जो मतलब होता है ब्यूना थोड़ा ब्यूटाडाइन में बच्चा हम लोग बी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, बी यू से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब बी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और सोडियम में बेटा एन ए करेंगे, सोडियम के लिए एन ए का यूज करते हैं, और स्टाइरिन के लिए बेटा ठीक है स्टाइरिन के लिए हम लोग क्या पढ़े हुए अभी ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, जिसमें ब्यू का मतलब होगा ब्यूटाडाइन ठीक है ब्यूटाडाइन, और एन ए का मतलब बेटा नाइन का, एन ए का मतलब होगा सोडियम ठीक है, और स्टाइरिन के लिए बच्चे हम लोग एस लिखते हैं, क्या बच्चा एस लिखते हैं, इस प्रकार से इसको कॉमन फॉर्मेट में ठीक है, जब भी एग्जाम्स के अंदर अगर ऐसा पूछ दे बेटा एस एस सॉरी ठीक है एग्जाम्स के अंदर बेटा एस बी आर
ऐसे करके कभी पूछ दे तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं ना, क्योंकि ये स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर के बारे में पूछ रहा होता है। किसके बारे में? स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर के बारे में पूछ रहा होता है। तो ब्यूटा एस को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रबर का ही एक सिंथेटिक फॉर्मेट है। समझ में आया सारे बच्चों को? ये रिएक्शन बेटा आप लोग कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से लिखना, ठीक है? ये आपको फटाफट लिखना होगा। चलो देखो, ये हमारा ब्यूटाडाइन का फॉर्मेट है, जहां पे बेटा हमारा जो सी एच है इस प्रकार, ये पूरा जो है हमारा क्या है, पॉलीथीन जो था बेटा, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के बताया, मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया, ठीक है? इसको मेरे को जो है बताने की नीड नहीं है, मेरे को लगता है वैसे, ठीक है? अब स्टायरीन की बात करूँ, स्टायरीन में यहाँ पे बेटा एक जो है हमारे पास, ठीक है, सी एच टू है, इसके बाद एक रिंग बना के बेटा हमको ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेट करेंगे। इस रिंग का रिएक्शन जब हम करेंगे तो बेटा हमको क्या मिलेगा? ब्यूना एस का फॉर्मेशन होगा। क्या इसका बच्चा? ब्यूना एस का, ठीक है, ब्यूना एस का फॉर्मेशन होगा, ब्यूना एस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ब्यूना एस का फॉर्मेशन। यहाँ पे बी यू थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ब्यूना, ठीक है, ब्यूना एस, इस प्रकार से ब्यूना एस का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेटा आप लोग फटाफट लीजिए, कॉपी करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी मर्जी आपकी। हाँ, अब बच्चे इसके मैं आपको उपयोग के बारे में बात करूँ, तो इसका उपयोग जो है, उपयोग की बात की गई, इसका उपयोग बेटा वाहन में जो टायर्स होते हैं ना, जो टायर्स होते हैं, ठीक है, उसके बनाने में किया जाता है। क्या बच्चा? ब्यूटा एस का जो उपयोग है, जो हम गाड़ी चलाते हैं, हम जो है घूमते हैं इधर उधर, ठीक है, तो उस गाड़ी के जो टायर होते हैं बेटा, उसका उपयोग जो है, उसका जो है फॉर्मेशन जो है, वो गाड़ी के टायर जो है ब्यूना एस से ही बना होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? जूते की रबर की बात करूँ, जो सोल होते हैं, हम जो जूते पहनते हैं, जो शूज पहनते हैं, उसके जो सोल होते हैं वो भी ब्यूना एस से ही बने होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? मक्खन तरीके से। अब बच्चे ब्यूना एस की तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, हालांकि मैंने सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, यहाँ पे उपयोग की बात करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ एकदम नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है बेटा। ये सामान्य टूट फूट में क्या होता है? मुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पे तन्य की क्षमता जो क्या प्राकृतिक रबड़ की तुलना में बहुत कम होती है, मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है नेचुरल रबर की जो है तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। इसका उपयोग बेटा गाड़ियों के टायर, मैंने आपको बताया, रबर सील, बेल्ट, ये सारी चीज बनाने में क्या होती है? यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा हमारा ब्यूना एस था बेटा, ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब बच्चे हमारे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर आ रहे बेटा, जिसका नाम है बेकेलाइट। क्या बच्चा? बेकेलाइट, जिसकी जो हम लोग क्या है, जिसके बारे में इतने टाइम से हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर बेकेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चे। बेकेलाइट को जो हम लोग प्राइम जो है सह बहुलक में पढ़े थे बच्चे, जब आपको मैं याद दिला दूं प्यारे बच्चों को, जब हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर स्टार्ट किए थे बच्चे, तो वहां पे मैंने आपको बहुलक बताया था, और उसके दो तरीके बताए थे, दो टाइप्स बताए थे। पहला जो टाइप था बेटा वो क्या था? होमोपॉलीमर। और दूसरा जो तरीका था बेटा, दूसरा जो टाइप था बेटा, वो क्या था हमारा? कोपॉलीमर। उस कोपॉलीमर के अंदर मैंने आपको यह बोला हुआ था कि बेकेलाइट जो है कोपॉलीमर का प्राइम एग्जांपल है, और एस ब्यूना अपन यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब बच्चे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेकेलाइट के बारे में पढ़ने वाला हूं। ये जो है अनदर आपके इस जो है एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, तो इसको करके ही जाइएगा एग्जाम्स के अंदर। अब पढ़ते हैं बेटा, ये एग्जाम से पूछे किस तरीके से जाते हैं। देखो बच्चा, बेकेलाइट क्या होता है, ठीक है, जैसे एनालिसिस क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं बेटा, क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस करने पर हमको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखे, बेकेलाइट क्या होता है, इसके इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनता है, और बच्चे इसके उपयोग लिखने के बारे में आपको एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बच्चे इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। देखो बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट भाई क्या हमारे क्या है? पॉलीमर है, एक बहुलक है, एक सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे? क्षार की उपस्थिति में प्रेजेंस में क्या बेटा? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब संघनित होंगे, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब संघनित होंगे, तब हमको जो है क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल मिलेगा। क्या बच्चा? हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल मिलेगा, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं बच्चा, यहां पे क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल मिलेगा। किसके संघनन से? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। तब जाके बेटा हमको जो है हाइड्रोलिसिस करने पर, ठीक है, उसका जो है हाइड्रोलिसिस करने पर बेटे हमको जो है बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है। एक क्या फॉर्मेट है बच्चे? एक जो है हमारा जो है क्रॉस लिंक जो होता है, क्या बच्चा? क्रॉस लिंकेज फॉर्मेट में होता है भैया। क्रॉस लिंक कहने का मतलब वो एक बेकेलाइट भैया, एक जो एकलक होगा वो दूसरे एकलक के साथ क्या करेगा? क्रॉस लिंक रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताया कैसे क्रॉस लिंक टाइप का, मैं आपको बताया। ये देखो यहां पे अगर कार्बन कंपाउंड बेटा इस प्रकार से ऐसे क्रॉस लिंक रहेंगे, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, फिर ऐसे क्रॉस लिंक, तो इस तरीके से बच्चे ये क्या होता है? क्रॉस लिंक रहता है। क्या बच्चा? बेकेलाइट, ठीक है। इतनी शानदार बातें सारे बच्चों को क्लियर हुई होगी, इसको जो है एग्जाम्स के अंदर लिख के ही आना बेटा। वापस से आप लोग फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बोला कि बेकेलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका उपयोग भी हमको पता होना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है। सर देखो बच्चा, इसका उपयोग क्या करते हो? जब मृदु बेकेलाइट क्या होती है? स्तरित कास्ट के तत्वों के लिए गंधक गोंद के रूप में, तो क्या करते हो? गंधक गोंद के रूप में। अब बेकेलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, जब आप क्या करते हो,
कोई भी जो है टॉय की बात करते हैं, खिलौने की बात करते हैं, तो वो मेनली जो बेकेलाइट से ही बना होता है बेटा। बेकेलाइट से बना होता है, गंधक के गंधक गोंद के रूप में था वार्निश बेटा। आप लोग जब पेंट करते हो दिवाली वार्निश, ठीक है, वार्निश के तथा क्या होता है लेकरों के में, बच्चा वार्निश में लेकरों में ये सारे चीज में क्या होता है बेकेलाइट का यूज किया जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो कठोर बेकेलाइट का बेटा, ये तो खैर मृदु बेकेलाइट की, सॉफ्ट बेकेलाइट की बात हो गई। अब जो है ठोस जो है बेकेलाइट भी होंगे तो उनका उपयोग भी फाउंटेन पेन की नलिया बनाने में, जो फाउंटेन पेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फाउंटेन पेन जो है आपने देखा होगा कभी भी, सुने तो होंगे एटलीस्ट, ठीक है बच्चा, सुने तो होगा, ठीक है। तो वहां पे फाउंटेन पेन की बात होती है, फाउंटेन पेन की नलिया जो पाइप होता है ना बेटा, उसकी बात की हुई है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डर में बच्चा बिजली की सामान जो होती है, बिजली के जो सामान होते हैं, जब बिजली वायर फिटिंग होती है बेटा, तो वहां पे जो पाइप्स होते हैं वो भी शायद जो है वो भी पाइप जो बच्चे बेकेलाइट के ही बने होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? अब इतनी सारी इसके जो है भौकाल बात कर चुके भैया, आखिर ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या सर इसकी रासायनिक अभिक्रिया इतनी ही भयंकर है क्या? नहीं बच्चे, बहुत इजी मैं आपको कराता हूं, देखो फटाफट बेटा। मैंने क्या बोला, फिनॉल मैंने आपको अभी अभी बोला भैया कि फिनॉल और जो है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, क्या बच्चा HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारा फिनॉल है, सारे बच्चों को मेरे पता है, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संग्रह से क्या किसके प्रेजेंस में भैया, OH क्षार के प्रेजेंस में, मैंने बोला ना बेटा OH क्षार के प्रेजेंस में क्या होता है हमको जो है हाइड्रोक्सीमेथिलफिनॉल मिलता है, क्या बच्चा हाइड्रोक्सीमेथिलफिनॉल मिलता है, वो भी किसमें, आर्था और पैरो पोजीशन पे, आर्था और पैरो पोजीशन पे क्या मिलता है बेटा, ठीक है, आर्था और पैरो पोजीशन पे हमको जो है हाइड्रोक्सीमेथिलफिनॉल मिल रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, देखो बच्चा, ठीक है, आर्था और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब इस तरीके से बच्चे हम लोग यहां पे बात कर दिए। अब देखो बच्चे इसी आर्था और पैरा पोजीशन वाले जो हमारा हाइड्रोक्सीमेथिलफिनॉल है, इसको हम लोग क्या करते हैं वापस से संघनित करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे हमको क्या मिलता है, देखो एन नंबर ऑफ बेटा यहां पे देखो फटाफट, ठीक है, मेरा क्या था यहां पे OH, ठीक है, और यहां पे CH2OH, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे मेरे को एक और जो है पोजीशन पे क्या मिला था, एक और पोजीशन पे बच्चे मेरे को, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, एकदम मजा आएगा अभी, ठीक है, देखो OH और यहां पे बेटा CH2OH, और इसके जो है बेटा इसके हाइड्रोलिसिस से प्यारे बच्चों H2O के क्या होता है, H2O के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है बेटा, यहां पे मेरे को एक क्रॉस लिंकेज में, क्या बच्चा यहां पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, क्रॉस लिंकेज तौर पे मेरे को क्या मिलेगा, बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस लिंकेज मतलब मैं बताऊंगा बेटा आपको एक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, देखो फटाफट कैसे मिलेगा, ठीक है, जब इस सारा रिएक्शन होगा कंडेंसेशन होगा तो बेटा उसके बाद मेरे को जो है ना यहां पे देखो इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिखेगा वो बेकेलाइट, ठीक है, यहां पे मेरे को OH, यहां पे मेरे को OH, इस तरीके पे इस साइड पे मेरे को CH2 एथीन बेटा, इस साइड पे मेरे को CH2, ठीक है। अब ये CH2 बेटा अलग जो है एक और जो है बेकेलाइट किस है सॉरी एक एकलक से क्या करेगा अटैच्ड रहेगा, और यहाँ पे CH2, ठीक है, CH2 यहाँ पे OH, ठीक है। अब इसके नीचे क्या मिलेगा मेरे को, वापस से CH2, अब इसके नीचे मेरे बच्चा मेरे को वापस से CH2, और ये जो क्या करेगा, ये जो क्या करके दूसरे एकलक से जो है अटैच रहेगा कुछ इस तरीके से, देखो CH2 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे CH2, ठीक है, इस तरीके से देखो बच्चा बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, अब देखो बच्चा कुछ इस तरीके से जालक के ठोमे लिंकेज फॉर्मेट में हमको जो है क्या मिलेगा, बेकेलाइट मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर दोस्त दिख रहा है बच्चे, ये हमारा क्या है बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, किसके लिए, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर। तो बच्चे आपके लिए क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे इसको स्टार बना के अपने कॉपी में बहुत शानदार तरीके से ड्रॉइंग बनाते हुए बच्चे आप लोग लिखिएगा, क्योंकि बच्चे ये जो है मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड के एग्जाम से पूछा गया, ठीक है। तो बच्चे आप लोग इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। अब बच्चे हम जो पूरा अपना ओवरऑल था बेटा क्या था, हमारा पॉलीमर जो था उसको हम लोग यहां पे खत्म कर चुके हैं। अब बच्चे ये पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इसके अंदर बेटा हम लोग यहां पे पूरी अच्छे तरीके से क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो बेटा अभी जो है हम ये चैप्टर यहां पे पूरा समराइज कर दिए, खत्म कर दिए। अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, और बच्चे क्या कर दीजिएगा अपने एग्जाम्स के अंदर फोड़ के आइएगा, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर अभी खत्म करते हैं, आने वाले दिनों में बेटा आने वाले लेक्चर के साथ बहुत तबाही मचाने वाले हैं। तो बच्चे अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।